महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलों में आए दिन इजाफा होता देखा जा रहा है। सीबीआई ईडी के बाद शुक्रवार को देशमुख के 10-12 स्थानों पर आयकर की रेड गिरी थी। उनकी कार्रवाई सुबह करीब 3:30 बजे तक चली, जिसके पश्चात शनिवार की सुबह फिर उनके रामदास पेट स्थित साई शिक्षण संस्था पर रेड गिरी। शिक्षण संस्था को जो भी डोनेशन आता है उसकी जाँच की जा रही है। शुक्रवार को हुई कार्रवाई में लगभग 200 अधिकारी कर्मचारी काम पर लगे। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने करीब 2.5 महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वासे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। हालांकि अनिल देशमुख ने आरोप से इनकार कर दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख को पद से इस्तीफा देना पड़ा था।